नवीनबे आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए नवीनबे और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सांगली भागों में भारी बारिश होने की वजह से कोल्हापुर सांगली कई संकटों से घिर चुका है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मुंबई झोपड़पट्टी सुधार मंडल समिति सभापति व शिवसेना उपनेता विजय नाहटा वाटर मैन्युफैक्चरिंग ONGC प्लॉट उरन के माध्यम से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मिनरल वाटर भेजकर राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी की अधिक जानकारी देते हुए शिवसेना उपनेता ने अपनी राय व्यक्त की है। उनका मानना है कि शिवसेना जरूरतमंद चीज़ों को वहाँ पर पहुँचा रही है। कराड़, सांगली, कोल्हापुर या भागामध्ये मागच्या आठवड्यामध्ये प्रचंड पाऊस झाला, लोकांची खूप दुरावस्था झाली। जवळजवळ 4 लाख लोकांना वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी हलवावं लागलं आणि 4-5 दिवस पाणी राहिल्यामुळे लोकांचे भयंकर हाल झाले। या लोकांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यातून सगळे नागरिक पुढे आले। शिवसेनेच्या वतीनं फार मोठ्या प्रमाणावर मदत, 1000 टनाची मदत आणि वेगवेगळ्या प्रकारचं पाणी, औषध, डॉक्टरांच्या टीम, सफाई कामगारांच्या टीम त्या ठिकाणी पाठवण्यात आल्या। या ठिकाणी आज आपण जे पाहतो आहोत, या 25,000 लिटर पाणी ज्या भागामध्ये पाण्याची गरज आहे त्या ठिकाणी पाठविण्यात येत आहे। हा उपक्रम वॉटर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन ONGC उरण प्लांट आणि शिवसेना यांच्या वतीनं घेण्यात आलेला आहे आणि अशाच प्रकारे आणखीन 1,70,000 लिटर पाणी या बॉटल सगळ्या बॉटलमध्ये भरलेलं पाणी त्या भागामध्ये पाठविण्यात येत आहे। याचं अतिशय चांगलं नियोजन वॉटर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे दोषी असतील, बावेजी असतील आणि पराडसाहेब ONGCचे असतील यांनी केलेलं आहे आणि गरजू लोकांना अडचणीच्या वेळी मदत करण्याचं काम वॉटर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन केलेलं आहे। ONGCने त्याला फार सपोर्ट केलेला आहे आणि ONGCने याच्याशिवाय त्या भागातल्या लोकांसाठी अन्नधान्य पाठवलं आहे, सॅनिटरी नॅपकिन पाठवलेलं आहे, आणखी इक्विपमेंट मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी पाठवलेले आहे। अशा वेळी या संस्था पुढं आल्या त्याच्याबद्दल शिवसेनेच्या वतीनं मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। दुर्दैवाने अशी वेळ येऊ नये, मात्र आलीच तर अशाच प्रकारे सगळ्या महाराष्ट्रातली आपण मंडळी एकत्र होऊन आपले जे बांधव त्या ठिकाणी दुःखामध्ये आहेत त्यांना निश्चितपणानं मदत करू। पुन्हा एकदा मी वॉटर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन आणि ONGCच्या प्लांट जे आहे त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। इसी विषय की अधिक जानकारी उपस्थित लोगों ने भी दी है कि किस तरह से इन क्षेत्रों में सामग्री व पानी भेजा जा रहा है। इस कार्य में हमको जो नेतृत्व है, हमारे माननीय श्री सुभाष देसाई जी जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है, ये हमारे 20 साल से हमारे गार्डियन मिनिस्टर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के, उन्होंने हमको इस कार्य में बहुत नेतृत्व दिया हुआ है और वो हमें हमेशा सपोर्ट और एनकरेजमेंट करते रहते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं कि कैसे राइट तरीके से काम करना चाहिए ताकि जो मदद है वो जो एक्चुअल नीड है जहाँ पे वहाँ पे प्रॉपर होते जाए और अच्छे से हो। तो हम उनका शुक्रिया करते हैं कि वो हमेशा हमेशा हमको गाइड करते रहते और हमको ऐसे ही आगे गाइड करते रहे, धन्यवाद। और ONGC का भी धन्यवाद, उन्होंने हमको इस अच्छे कार्य में हमको अच्छे से प्रतिसाद दिया हुआ है, थैंक यू। ONGC भारत सरकार का महारत्न कंपनी है और उसका एक उरान में एक बड़ा गैस प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स है और हमारा जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से एक्टिविटी बहुत होता रहता है और यहाँ पर जो महाराष्ट्र में इतना भयंकर बाढ़ हुआ है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के लिए कुछ करें और इसके लिए हमारे जो प्लांट मैनेजर श्री नरेंद्र असीजा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये हमेशा आगे आते हैं और हमारा जो HR डिपार्टमेंट और हमारा जो वेरियस एसोसिएशंस है वो हमेशा आगे आके बहुत कुछ देते हैं। अभी तो जो हम दे रहे हैं पानी सप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पीछे जो हम जाके जहाँ पर बाढ़ हुआ है वहाँ पर देना डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमारे लिए शिवसेना और जो वाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कम दाम में पानी का सप्लाई किया है, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और भगवान करें ऐसा आपदा और ना आए, और लेकिन जब भी आपदा आएगा ONGC हमेशा आगे आके काम करता रहेगा, धन्यवाद। नवीनबे आवाज़ को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीनबे और पनवेल की ताज़ातरीन खबरें।